लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अयोध्या में चैत्र नवरात्र के दौरान संतों ने प्रशासन के साथ मिलकर लोगों के अयोध्या न जाने की अपील की। वहीं अब मुस्लिम धर्म गुरु विशेष और सामान्य सभी प्रकार की नमाज लोगों से अपने घरों में अदा करने की अपील कर रहे हैं। मौलाना ने समाज के लोगों से मस्जिद न आकर अपने घरों में रहने की अपील की है। लॉकडाउन के चलते अयोध्या की सभी मस्जिदों में अब नमाजियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। शहर की सभी छोटी बड़ी मस्जिदों समेत ग्रामीण क्षेत्र की मस्जिदों को मौलवियों ने मुस्लिम समाज के लोगों से जुम्मे की नमाज न अदा करने की अपील की है। मौलवियों ने घोषणा की है कि नमाजियों को मस्जिद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मौलवियों ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। ये हमारे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए और तमाम इंसानियत के लिए एक जो वबा फैली हुई है उसके लिए हम सारे उलमा और पूरे देशवासी सबसे अपील करते हैं कि इस महामारी जो एक वबा फैल गई है इससे अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी हुकूमत पुलिस प्रशासन शासन हमें आदेश देती है और यही दीन का तकादा और शरीयत का तकादा भी है कि हम अपने आप को और सबको बचाएं। ये इससे बड़ी खिदमत इससे बड़ी इबादत नहीं हो सकती है इस वक्त। सबसे मैं अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, एक एक करके दो दो करके नमाज पढ़ें ताकि जो है ये वबा न फैलने पावे। ये हम सबका दीनी मिल्ली और मुल्की और सब एतबार से हमारा दीनी फरीजा बनता है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते से कहता हूँ कि सब लोग इस पर फॉलो करें। आज 5-7 दिन से सामने बाहर नहीं निकला हूँ। ब्रदरान वतन और मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त हमारा मुल्क और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जो एक खौफ का माहौल है, इससे निपटने के लिए और इससे बचने के लिए हुकूमती सतह पर और ज़िला प्रशासन की तरफ से जो तहरीकें और तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं अपनी सेहत और अपने लिए अपनी हिफाजत के लिए, ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इन सारी चीज़ों पर अमल करें और सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें, भीड़ भाड़ की जगहों से बचें, जैसा कि इससे पहले भी बताया गया है और बार बार इस चीज़ को लोगों को रिपीट कराया जा रहा है कि भाई अपने सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें। और जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से प्रशासन की तरफ से जो अहकाम दिए जा रहे हैं इस सिलसिले में उसका पालन करें और इसी में सबके लिए भलाई है। मस्जिदों के उलमा और अइम्मा हज़रात से भी गुजारिश है कि इज़्ज़त व अज़मत भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ का नाम है और शरीयत भी ऐसे वक्त में हमें इजाज़त देती है नमाज जुमा का मसला हो या पंजगाना नमाज का मामला हो। इसलिए हम सब शरीयत के उसूल पर अमल करते हुए शरीयत के दायरे में रह करके इंतज़ामिया के की बातों को भी लोगों से मनवाने की कोशिश करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।